फिर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर आपकी फेवरेट सीरियल अनुपमा में। घर वाले एक बार फिर से खुश हो जाते हैं जब यहाँ पर अनुपमा अपना प्लानिंग बनाती है बा और बापू जी की 50th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए। ये सुनकर वनराज और बच्चे और घर के सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन जो खुश नहीं होता है वो है काव्या, जो कि इस मैटर में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहती है। वो तो इस मामले से साफ दूर रहना चाहती है। और जब अनुपमा आई है तो अनुपमा के होते वो कैसे खुश रह सकती हैं। तो भाई घर वालों ने मिलकर तैयारियां शुरू कर दी हैं और घर में शुरू हो गई हैं तैयारियां, डेकोरेशन सब कुछ, जिसे देखकर घर वाले बाँ बापूजी वनराज सभी खुश हैं। अनुपमा घर से यहाँ पर पूरी तैयारी पूरी प्लानिंग करती है उन दोनों की एनिवर्सरी सेलिब्रेशन की, जिसके बाद में बाँ और बापूजी भी शर्माते नजर आते हैं। उनके लिए नए नए पोजेस जो बनाए गए हैं मूवीज़ के, वो भी उनको जो दिखाते हैं और बाँ और बापूजी को छेड़ते नजर आते हैं। तो वहीं देखने को मिलता है कि बाँ बापूजी खुश जरूर हैं कि अनुपमा यहाँ है। अनुपमा प्लानिंग के बाद घर जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी यहाँ पर पांखी और समन उन्हें जबरदस्ती अपने घर ही रोक लेते हैं कि आज तो कल तो एनिवर्सरी और आज रात को 12 बजे हम सेलिब्रेट करेंगे, तो डेकोरेशन वगैरह सब में सब लोग बिजी हो जाते हैं। लेकिन काव्या को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही कि उसकी बिना मर्जी के ये सब कुछ हो रहा है और घर तो उसका है, तो फिर इनकी मर्जी कैसे चल सकती है। इसी के चलते हुए काव्या यहाँ पर बहुत बड़ा ड्रामा एनिवर्सरी में करने वाली है, जिसके चलते हुए वनराज को बुरी तरह से उस पर गुस्सा भी आएगा। और देखने को मिलने वाला है कि बहुत ही शानदार तरीके से 50th एनिवर्सरी मनाई जाएगी, लेकिन इसी बीच काव्या का ड्रामा ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। तो काव्या का ड्रामा तो जरूर होगा, वो भी अनुपमा को सामने देखकर कि उसके घर में अनुपमा कैसे आई और वो एनिवर्सरी को खराब करने की कोशिश करेगी और वनराज उसे जोरदार सबके सामने थप्पड़ मार देगा। तो वनराज का गुस्सा इसी पार्टी में काव्या पर फूटेगा और वो कह देगा कि मेरी बाँ और बापूजी की खुशियों में आने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो भाई पार्टी में हंगामा जरूर होगा, लेकिन पार्टी तो होगी ही।